हमारी खास पेशकश जन्माष्टमी के शुभ उपाय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक कान्हा का जन्म रात्रि में हुआ था। इसी वजह से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने का विधान है। इस साल जन्माष्टमी पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। दरअसल इस बार जन्माष्टमी के दिन जयंती योग भी बन रहा है। हालांकि कृष्ण जन्माष्टमी की तारीख को लेकर लोगों के मन में संशय बना हुआ है। जन्माष्टमी को लेकर 2 तारीख सामने आ रही है। ऐसे में लोगों के मन में ये बड़ा सवाल है कि जन्माष्टमी का व्रत कब रखें। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ 2 ज्योतिषाचार्य हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर जन्माष्टमी कब और कैसे मनाएं। कई सारे सवाल इस वक्त लोगों के मन में है कि व्रत कैसे करें, कौन से दिन जन्माष्टमी मनाएं। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपके बीच पेश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं परिचय कराते हुए। संचिता लेखी जी ज्योतिषाचार्य हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित घनश्याम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का न्यूज 18 राजस्थान पर। और शुरुआत घनश्याम जी आप ही के साथ करते हुए, पंडित जी क्योंकि 2 अलग अलग तारीख बताए जा रहे हैं, एक तो आज का तारीख है और कुछ लोग कह रहे हैं कि कल जन्माष्टमी है। ये सवाल है कि व्रत कैसे रखे, कब रखे और जरा विधि विधान भी बताइएगा। नमस्कार जी, न्यूज 18 के प्रिय दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी के पर्व कब मनाया जाए जी। क्योंकि 6 सितंबर 2023 को और 7 सितंबर 2023 को यह संशय बना हुआ है कि कौन सी तारीख को मनाया जाएगा। स्मार्ट लोग 6 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे और वैष्णव लोग 7 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा। काशी विद्वत परिषद ने 1987 में एक निर्णय दिया था कि उदयात में उदय तिथि को ही विशेष महत्व दिया गया है, तो वैष्णव लोग 7 सितंबर 2023 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। यह संशय नहीं है, यह निश्चय है और शास्त्रों में, वेदों में प्रमाण है, पुराणों में प्रमाण है, निर्णय सिंधु धर्म सिंधु में यह उल्लेख है। इसलिए सभी भक्तजन 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाएं। आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व भादवा कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में कारागार देवकी और सुदेव जी के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। चतुर्भुजी रूप से प्रकट होकर के वहाँ उनको अपना स्वरूप दिखाया और उसके बाद उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप दिखाते हुए बाल रूप में बन गए थे। तब से ही भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इसका आपने पूछा कि क्या विशेष महत्व है, विधान क्या है जी? तो विधान इसका है, प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहने उसके बाद में संध्या गायत्री करके भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लग जाइए। प्रातःकाल उठते ही भगवान बाल गोपाल की पूजा विशेष की जाती है। इस पर्व पर लड्डू गोपाल जी प्रत्येक घर में होते हैं, मंदिरों में इसकी प्रतिमा की पूजा की जाएगी। प्रातःकाल थाली को सजा करके पंचोपचार से षोडशोपचार से आवाहनम आसनम पाघ्यम अर्घ्यम स्नान, प्रातःकाल शुद्ध जल से स्नान भगवान श्री कृष्ण को कराएंगे। उसके बाद में दूध से दही से घी से पंचामृत से स्नान करा करके शुद्ध वस्त्र नवीन वस्त्र पहनाए जाते हैं। जैसे बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं वैसे भगवान श्री कृष्ण का प्रकट उत्सव मनाया जाएगा जी। उसमें पंचोपचार पूजा कराने के बाद आरती और निराजन करने का एक विधान है। प्रत्येक भारतवर्ष में ये वैदिक धर्म में मनाया गया है, हांडी फोड़ की एक प्रथा होती है वो भी मनाई जाएगी और विधि विधान से व्रत रखा जाएगा। ये ध्यान रखें, सभी व्रत रखें, निराहार रहे, कहीं तो बिल्कुल जल भी नहीं पीते हैं और नवीन वस्त्र पहनते हुए पीले वस्त्र अधिक से अधिक पहने, काले वस्त्र न पहने, सेविंग न बनावे जी। मांस मजरा का लहसुन प्याज का वर्जित है। शुद्ध सात्विक होकर के सारे दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए
पूरा दिन व्यतीत करें। 7 सितंबर को रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे। सूर्य सिंह राशि में रहेगा, वृषभ राशि में चंद्रमा रहेगा। ऐसे ग्रहों का योग है, सर्व सिद्धि योग है, महालक्ष्मी योग है, बुधादित्य योग इस दिन कई सालों के बाद बना हुआ है, ऐसा दिव्य और भव्य पंडित जी इस बार बेहद शुभ संयोग बन रहा है। और आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, क्योंकि भक्तों में कई सारे सवाल थे जो कि आपने बताया कि पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान कृष्ण को ये रंग बेहद पसंद है। आपने बताया कि क्योंकि बाल गोपाल का जन्म इस दिन हुआ था, तो कैसे निर्जला व्रत रखकर भगवान को खुश करने की कोशिश भक्तों द्वारा की जानी चाहिए। संचिता लेखी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संचिता जी, हालांकि पंडित जी ने तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं, लेकिन एक सवाल है, क्योंकि रात में पूजन करने की विधि विधान से परंपरा रही है, लेकिन दिन में भी कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, तो कैसे इसे करें, जरा इसे लेकर जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, तो जैसे हम शुरुआत से बताते हैं कि ये जो व्रत है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि इसके बहुत सारे महत्व है। तो ये जो व्रत है ये कई लोग करते हैं जिन्हें धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिनको पुत्र की आवश्यकता है, जो सुख समृद्धि चाहते हैं अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं एक मोक्ष के लिए भी ये व्रत बहुत जरूरी होता है और हम सभी को करना चाहिए। साथ ही साथ ये जैसे भी पंडित जी ने विधि बताई है वो एकदम सही विधि है। हाँ। पर इसके साथ साथ हम बताएंगे कि जैसे बाल गोपाल को हम रात के 12 बजे से ही हम अपना त्योहार मनाना शुरू कर देते हैं, तो 6 तारीख की रात से ही 12 बजे से ही हम उनकी जो झांकी की तरह हम उनको सजा धजा के हम उनको एक तरीके से वेलकम करते हैं। हमारे पृथ्वी पे वो आए थे, उन्होंने जन्म लिया था, उसी तरीके से लड्डू गोपाल को हम झूला झुलाते हैं। उसके अलावा मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी कि जो आज आपको अपने घर में लानी चाहिए, जो शुभ रहती है। जैसे कि हम बांसुरी जरूर खरीद के लाएं, चाहे वो लकड़ी की हो या चांदी की बांसुरी हो, वो भी हमें पूजा में रखनी चाहिए। और अगर पूजा के बाद हम इसे हम अपने लॉकर में, अपनी तिजोरी में रखें, तो उसमें भी धन लाभ जरूर होता है। साथ ही साथ वैजयंती माला भी बोलते हैं कि जिन लोगों को धन की प्रॉब्लम रहती है कि धन रुकता नहीं है या आता ही नहीं है उनके पास, तो वैजयंती माला जो है उनको आज के दिन लानी चाहिए और उसको भी मंदिर में रखना चाहिए, तो इसका भी लाभ उन्हें जरूर होगा। साथ ही साथ मैं बोलूंगी जैसे गाय और बछड़े की कोई छोटी सी मूर्ति भी वो खरीद के लाएं, तो वो भी बहुत शुभ रहता है। तो ये कुछ छोटे छोटी चीजें हैं जो आज के दिन आपको अपने घर में लानी चाहिए। साथ ही साथ आप हरे रंग का अगर कोई फल चढ़ाते हैं, जैसे कि हमारा नाशपाती हो गई, या फिर आपका जो भी आप हरे रंग के अंगूर होते हैं, ऐसी चीजें हम हरे रंग का आज चढ़ाएं, तो आपको लाभ आज के दिन का जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हुए हम कैंसर, जो हमारी कर्क राशि है, उसके ऊपर बात करते हैं। इनके लिए भी जो है सफेद रंग बहुत शुभ है, इन्हें भी सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए, सफेद रंग की वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। जो भी हम मीठा बनाते हैं, चाहे गुड़ मिश्री हो या जो भी दही का कुछ भोग लगाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको बोलूंगी आप सफेद रंग का श्रीखंड भी बना सकते हैं भगवान के लिए, क्योंकि जो उनका फेवरेट होता है वो मक्खन ही रहता है और दूध की चीजें जो है उनकी पसंदीदा है, तो हमें दूध की चीजें जरूर चढ़ानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए सिंह राशि के ऊपर चर्चा करते हैं। सिंह राशि जो सूर्य की राशि होती है, वैसे इनका जो कलर आ रहा है वो लाल रंग आ रहा है, जो रेड कलर आज आपको खुद पे पहनना चाहिए, और रेड कलर की वस्तुएं जो हैं हमें कृष्ण जी पे जरूर अर्पण करनी चाहिए, जैसे कि लाल पुष्प हो गए, सेब आप चढ़ा सकते हैं, अनार चढ़ा सकते हैं, और लाल रंग की कोई भी मिठाई बना के जैसे आप वो भी चढ़ा सकते हैं, तो लाल रंग जो है सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हुए कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए भी हरा रंग आ रहा है, कि हरा रंग जो है आपके लिए बहुत शुभ है। आपको भी आज के दिन जो है मोर का पंख अपनी पूजा में जरूर रखना चाहिए, उससे जो भी नेगेटिविटी होती है, बुराइयां होती हैं, वो जरूर दूर होती हैं और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती है। आपको भी मैं बोलूंगी धनिये की पंजीरी बना के आज भगवान को भोग में चढ़ानी चाहिए। जो पंजीरी होती है वो भगवान को बहुत ही पसंद है, तो वो आपको जरूर करना है। आप अमरूद, अंगूर या नाशपाती इस तरीके फल का भी भोग लगा सकते हैं।
बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। आपने बताया कि वैजयंती माला लाने से, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि धन रुकता नहीं है या धन की कमी रहती है, ऐसे में इससे पार पा सकते हैं, तो निश्चित तौर पर ये उपाय भी लोगों को अपनाना चाहिए। आपने बताया कि मूर्ति की प्रतिष्ठा भी करनी चाहिए, जिन लोगों के घर में बाल गोपाल नहीं है, लड्डू गोपाल नहीं है, वो मूर्ति लाएं। अब जरा घनश्याम जी बताइएगा, प्रतिष्ठा करें कैसे, क्योंकि इसे लेकर भी कई सारे विधि विधान होते हैं जी। भगवान श्री कृष्ण का हम प्रकट उत्सव मनाने से पूर्व प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, कैसे करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं जी। पहले ध्यान करते हैं, करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य पात्रस्य पुटे शयानम् बालम् मुकुन्दम् मनसा स्मरामि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस प्रकार के मंत्र जप करते भगवान का ध्यान करते हुए अक्षत छोड़ दीजिए उनके ऊपर, पीले अक्षत छोड़ सकते हैं। उसके बाद में गंगा जल से स्नान कराते हैं, गंगा जल स्नान करा कर गंध अक्षत एक साथ करने के बाद प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र होता है, बाएं हाथ के अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापना करके दाएं हाथ से ऐसे ढक लेते हैं, अंगूठा अंदर रहेगा, मंत्र बोलेगा ओम आम ह्रीम क्रौम यम रम लम वम सम सम हम हंस है बाल कृष्ण लड्डू गोपाल देवस्से प्राणा इह प्राणा, भगवान कृष्ण के प्राण आ गए हैं। ऐसे ही फिर मंत्र बोलेगा दूसरा, ओम आम ह्रीम क्रौम यम रम लम वम सम सम हम हंस है लड्डू गोपाल देवस्से जीव इह स्थिते, जीव की स्थापना होगी, प्राण की स्थापना होगी, पूरे शरीर में प्राण और जीव का संचार होने लगता है। ऐसा ध्यान करते हुए पुनः बोलेंगे ओम आम ह्रीम क्रौम यम रम लम वम सम सम हम हंस है अस्याः श्री लड्डू गोपाल देवस्से सर्वेन्द्रियाणि इहा गत्यम सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। सर्वेन्द्रियाणि हो वांग मन चक्षु, वांग मन चक्षु स्रोत घ्राणी पान पाद उपस्थादिन यह गत्यम सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। और 16 बार ओम का उच्चारण करते भगवान की प्रतिष्ठा करे, ओम मन हो ज्योतिर्जुखता मा जस्य बृहस्पति जगनामि मन तन हो त्वरिष्ठं जगन घू समी मन दधातु विश्वे देवा सही अमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठा है। ये प्राण प्रतिष्ठा हो गई भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल जी की। उसके बाद में वही षोडशोपचार पूजा चालू कर दी जाती है, उसके बाद में पंचोपचार षोडशोपचार। बहुत अच्छे से आपने बताया पंडित जी एक एक विधि विधान की कैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाए। संचिता जी, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि इस बार जो जन्माष्टमी है वो काफी ज्यादा दुर्लभ है, दुर्लभ संयोग बन रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या वजह इसके पीछे? देखिये जो जन्माष्टमी है ये जैसे हमेशा हमने जैसे देखा है कंस का जब एक कहर आ गया था हमारी पृथ्वी पे, तब हमेशा की तरह विष्णु जी एक अच्छा सा अवतार लेकर आए थे। तो कहीं ना कहीं जो विष्णु जी का अवतार है वो बुराई को नष्ट करता है। जब जब हमारी पृथ्वी पे ऐसा संकट आता है विष्णु जी जरूर आते हैं। वैसे ही अभी का जो समय चल रहा है तो कहते हैं कि जो कृष्ण जन्म है एक पॉजिटिविटी लेकर आता है, सारी बुराइयों को नष्ट कर देता है। वैसे ही जो ये त्योहार आता है, साल में एक बार कृष्ण जन्म हम करते हैं, उसका पूरी तरह से हमें लाभ लेना चाहिए। और इसी तरीके से ये वाली जन्माष्टमी भी हमारी बहुत खास है, क्योंकि ये जो जन्माष्टमी है वो बहुत सारा उत्साह लेकर आती है उनके भक्तों में। और हमेशा मेरे को लगता है कृष्ण जी का जब भी जन्म की बात होती है, चाहे वो दही हांडी की बात हो या दही मक्खन की बात हो, ऐसी चीजों में कृष्ण जी जो है हमारे मन में हमेशा बसते हैं। घनश्याम शर्मा जी, क्योंकि आप बता रहे थे कि कैसे भगवान को खुश करें, कौन कौन सी वो खास चीजें हैं जिनका भोग लगाया जाए इस दिन? हाँ जी, भगवान श्री कृष्ण को विशेष करके माखन मिश्री पसंद है जी। अनेक प्रकार के व्यंजन ड्राई फ्रूट्स के बनाए जाते हैं, फलार के बनाए जाते हैं, विशेष करके पंजीरी बनाई जाती है, भगवान को पंजीरी बहुत पसंद है, केले के प्रसाद की बनती है और इससे धनिया से पंजीरी बनाई जाती है, जो भक्तगण उपहार में स्वरूप सबको बांटते भी हैं और खुद फलार के रूप में लेते भी हैं पंजीरी। उसके अलावा इसमें केले का प्रसाद, पंचामृत, इन चीज़ों का भगवान विशेष महत्व खाने पीने का। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भगवान तो सबसे बढ़िया पसंद किसको करते हैं? माखन मिश्री को, क्योंकि जीवन भर इन्होंने ऐसा संयोग
मथुरा वृंदावन में ऐसी रासलीला रची कि माखन मिश्री का भोग लगाया, लेकिन माखन मिश्री की चोरी भी बहुत करी। तो ये आनंद के साथ माखन मिश्री ज़्यादा खाते हैं, और फलार जो भी लगाओ, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उप्रियतम अस्नामी प्रियतात्मने। भगवान को पत्र पुष्प फल या जल भी चढ़ा दोगे, मन से इच्छा से समर्पण करोगे तो वो ग्रहण करते हैं, ऐसे भगवान की लीला है। तो मन से किए गए समस्त कार्य, समस्त क्रियाएं और समस्त वस्तुएं वो ग्रहण करते हैं। विशेष करके जिन दाम्पत्य जीवन के लिए परिवार में कलह रहता हो, आर्थिक संकट रहता हो, उनको एक विशेष उपाय बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, आप ड्राइंग रूम में बाल गोपाल मंदिर में रहेंगे, ड्राइंग रूम में भगवान कृष्ण की गाय के साथ बंसी बजाते हुए, गाय चराते हुए की फोटो लगावे, तो अवश्य ही उनके जीवन में आर्थिक संकट दूर होगा, पारिवारिक कलह दूर हो जाएगा। दूसरा उपाय, जिन व्यक्तियों के जीवन में संतान का अभाव है, वो निश्चित रूपेण इस 7 सितंबर को भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल की मूर्ति ला करके घर में प्रतिष्ठापना करें, जो पहले बताई गई है। मूर्ति प्रतिष्ठापना के बाद अभिषेक किया जाएगा 16 मंत्रों से। वो 16 मंत्र कौन से होंगे, वो आप संतान गोपाल के मंत्रों से अभिषेक करेंगे, और दूसरा मंत्र इस प्रकार से जाप करेंगे, कृष्णाय वासुदेवाय हर हे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र की 11 माला करते हुए भगवान लड्डू गोपाल पर दूध का अभिषेक करते करते मनोकामना करें कि हमारे घर में तुरंत दूसरी साल लड्डू गोपाल अवश्य आ जाए, तो इस जन्माष्टमी की दूसरी जन्माष्टमी तक लड्डू गोपाल आपके घर में आ जाएंगे, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। बिल्कुल, भगवान को मन से कुछ भी अर्पित करो, भगवान उसे ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, लेकिन भक्तों का दिल नहीं मानता, और यही वजह है कि वो तमाम चीजें चढ़ाना चाहते हैं जिससे भगवान और भी ज्यादा खुश हो। संचिता जी, क्योंकि अभिषेक का भी अपना अलग महत्व है, कैसे भगवान का अभिषेक किया जाए? देखिए, जो अभिषेक करना है उससे पहले हमें उसकी तैयारी करनी होती है। जैसे पंडित जी ने भी बताया था अभी कि हमें पंचामृत से पहले उनका स्नान कराते हैं, दूध से कराते हैं, दही और उसमें अपना मक्खन डालते हैं, ऐसे हमारा जो पंचामृत है उससे कराना चाहिए अभिषेक। हमें साथ ही साथ गंगा जल से भी उनकी पवित्रता हो जाती है, उससे भी हमें करना चाहिए, साथ ही साथ जल से करना चाहिए। और जो भी आपके मन में इच्छा रहती है वो अपने मन में अच्छी सी इच्छा रख के और पूरे दिल से हमें उनका अभिषेक करना चाहिए। इसमें जो पुष्प है उसका भी कई तरह का महत्व रहता है। जैसे हमें पता है पीला रंग तो जो है कृष्ण जी का फेवरेट रहता ही है, साथ ही साथ मेरे को लगता है इसके कई सारे रंग होते हैं, जैसे ऑरेंज आ जाता है, जो बिल्कुल, आप दोनों मेहमानों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और निश्चित तौर पर जो सवाल हमारे दर्शकों के मन में रहे होंगे वो तमाम सवालों के जवाब भी मिल चुके होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुभकामनाएं आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।